लेडीज एंड जेंटमेन नाइनटी मॉड्यूल हेर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिमिट्स ऑफ मार्केट अनसर्टनिटी अनसर्टनिटी अनसर्टेनिटी आपने बहुत डिस्कस किया अनसरिटी भाई रिस्क अनसर्टेनिटी के साथ है अनसर्टेनिटी के साथ चेंज नहीं है तो आप आंटर ने और नहीं है क्लियर अब आगे चलो देखते हैं कि लिमिट क्या है मार्केट की क्राइसिस पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये देखते हैं कि सोशल साइंस के अंदर जो कैपिटलिस्टिक मार्केट या आपकी वर्चुअल मार्केट या कंटेम्प्रेरी मार्केट या नॉर्मेटिव इमेजिनेशन या नॉर्मेटिव मार्केट ये चेंज होती रहती फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे पहले माउंटेन इनिक्वालिटी को समझना पड़ेगा अच्छा आपकी सोशल फैब्रिकेशन के अंदर अपर अपर क्लास कहीं थी फिर उससे ऊपर एक लीड क्लास भी थी एक सुपर इलीट क्लास भी हो गई एक है कि आपकी यानी रोल्स राइस जब दी जाने लगी तो कहा कि खानदानी अमीर चेक किए जाएंगे और उसके कम अज कम कई खानदान पीछे से देखे जाएंगे कि अगर ए, कुछ डिकेड्स के ऊपर मुहित अगर अमारत चल रही है तो रोज राइस दी जाएगी यानी इसका मतलब है कि सुपर टू सुपर रिच क्लास भी कोई बन गई अच्छा इस जिसको हम फ्यूडल कहते हैं पाकिस्तान में फ्यूडल वो होता है जो किसी का हक नहीं देता अच्छा लेकिन आमतौर पर मैं कुछ फ्यूडल से मिलाऊँ जो कि हक दिया करते थे और हक भी देते हैं और अपनी मज़ारों का ख्याल भी रखते हैं दाने भी देते हैं सिस्टम जैसे भी नहीं चला जाते आ, याद रखें कि जुल्म के ऊपर हुकूमतें नहीं चला करती कोफर पे चल सकती यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मार्केट चेंज होती है ये माउंटिंग इनक्वालिटी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो लिमिट ऑफ मार्केट को चेक करने के लिए याद रखें कि आपकी लोअर लोअर क्लास के लिए कौन सी प्रोडक्ट दे रहे हैं लोअर टू मिडल क्लास के लिए यानी इनके अंदर भी तफरीत बहुत ज़्यादा है इसको हम अफरात और तफरीत कहते हैं यानी कमी या ज्यादती कहते हैं और कई दफा ऐसा भी होता है कि अगर आप जैसे कहते हैं नॉर्मली हमने ये देखा है कि एक आला ज़रफ़ इंसान अमीर भी हो सकता है गरीब भी हो सकता है एक बेहस इंसान जो है वो अमीर भी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है सो तो माउंटिंग इनिक्वालिटी के अंदर जब आप प्राइस के ऊपर आते हैं तो यहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी इस दो डिपेंडेंसी पर भी आ सकती है बेसिकली तो ये साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स है कि बेहिसी नहीं होनी चाहिए आपने देखा होगा आ, मैं मज़ा एक बात करता होता हूँ इससे आपको थोड़ा सा आइडियोलॉजी समझ में आ जाएंगी एक जगह मैं जा रहा था तो वहाँ पे मर्सिडीज थी और एक आ, साथ में दूध के डब्बे जो ले जाने वाला आदमी था आ, उसने साइकिल पे ले जा रहा था उसके साथ जैसे डब्बे लगे होते मर्सिडीज पे वो लड़का था छोटी एज का था उसने उसकी गाड़ी को हिट किया अब वो कुछ बोला नहीं तो मैंने उसे कहा कि लड़ने का अंदाज़ तुम्हारा गलत है तुम बड़े आराम से पूछ रहे हो तुम उससे ज़रा लोकल अंदाज़ में पूछो कि तुमने ये क्या किया तो उसने लड़ते हुए कहा कि देखो ये आपने मेरा नुकसान किया मैंने उसे कहा कि अपने लोकल पंजाबी अंदाज से कहो खैर बहरहाल उसने उसे अंदाज़ से कहा तो उसने कहा कि कितने का नुकसान है उसने कहा के मेरा डेढ़ लाख यानी डेढ़ लाख का नुकसान हुआ है उसने कहा बाबू जी गाज सुनो। नुकसान डेढ़ लाख डब्बा मेरा भी पींजा सो इट so, इज इक्वल so, नुकसान बराबर हो गया सो so, उसका डब्बा भी खराब हुआ सो so, अगर इस तरह के सेगमेंटेशन में जाना है तो ये एक सेगमेंटेशन मजाहन मैंने आपको बता दी तो आपके इसी तरीके से इन के अंदर गरीब दरमियाने और अमीर का तबकाती फर्क खत्म हो गया अब इसी के अंदर बहुत बहुत सेग्रीगेशन है अमारत के अंदर छह किस्म की सेग्रीगेशन आ गई मिडल इनकम लोगों के अंदर सेग्रीगेशन आ गई और लोअर इनकम के अंदर आ गई तो डेमोग्राफिक जियोग्राफिक साइकोग्राफिक बिहेवियरल बेसिस ऑन द माउंटिंग इन इक्वालिटी बढ़ती जा रही है सो तो उसके ऊपर स्टेज ऑफ सोशल साइंस एंड कैपिटल मार्केट रिटेन मैनी ऑफ देयर द कंटेम्प्रे नॉमेटिव इमेजिनेशन सो so, पे नाइट वर्क इन नाइनटीन में वो बात करते हैं और 1920 तक ऑफर एन अर्ली के क्रिटिक ऑन दिस मॉडल इट फोकस द एबिलिटी टू एफिशिएंटली एलोकेट यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह आपने मार्केट की लिमिट डिफाइन करने के लिए रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी है तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहां क्या हो गया रिसोर्सेज रिसोर्सेज के बाद इंडिपेंडेंट के अंदर या मॉडरेटिंग के अंदर जो भी चेंज करते जाए ही क्लेम्ड रूटेड इन ह्यूमन करेक्टर एंड एपेस्टेमोलॉजी इस पर मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ मैंने ह्यूमन बिहेवियर एपेस्टेमोलॉजी पर बहुत सारी एग्जाम्पल आमतौर पर मैं देता रहता हूँ और बात आप लोगों के लिए लें से एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आप उस मेन फीचर को समझ जाए जो मैं फाइनेंशियल uh, या टेक्निकल टर्म्स के अंदर समझने में मुश्किल पेश आ सकती है याद रखें चीज़ों को कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई करना है जेनेरिक से स्पेसिफिक करना रिसर्च का सूल जेनेरिक्स से स्पेसिफिक और फलसफे का असूल कॉम्प्लेक्स से सिंपल जितना कॉम्प्लेक्स इंसान होगा और अपने आप को सिंप्लिसिटी की तरफ लेकर जाएगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरी तरगीब है देन कंसर्निंग मैरिटोक्रेसी नाइट रिजेक्ट मैनी ऑफ द हायर एम टू द मार्केट सच इज प्रोवाइडिंग जस्ट रिवॉर्ड और फेयर डिस्ट्रीब्यूटिव आउटकम्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर मेरा पूरा केस डिवेलप होता है. और रिसेंट uh, टाइम्स के अंदर मैंने एक किताब uh, लिख रहा हूँ uh, छः सात के बाद ये तकरीबन आठवीं किताब होगी मैरिटोक्रेसी uh, के ऊपर मैरिटोक्रेसी के मुताबिक भी रिवॉर्ड बेस सिस्टम है आपको काम आता है आप अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं आप सोशल डायनामिक्स के एक्सपर्ट हैं आपको थियोक्रेसी भी आती है आपको डेमोग्राफिक जियोग्राफिक साइकोग्राफिक बिहेवियरल आइडियोलॉजीज भी पता है और अपने एरिया में एक्सपर्टीज भी हैं टेक्निकल अगर आप वापदा चला रहे हैं और आप इंजीनियर नहीं और उस एक्सपर्टीज पर नहीं रखते तो आप सी आपकी बिजली पैदा नहीं होगी फिर आपका मुल्क गर्दिशी कर्जों में ही फंसा रहेगा फिर आपको नहीं समझ आएगी लाइन लॉसेस क्यों हो रहे हैं फिर आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि सैंतीस हजार मेगावॉट आप पैदा कर रहे हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि सिर्फ पच्चीस हजार की डिमांड है और आप जो है वो सिर्फ लाइन आपकी जो है सिर्फ बाईस हजार ले सकती है यानी बारह हजार का वेस्ट करते हैं फिर एक दिन आता है और आपको खबर मिलती है कि बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें लेकिन बिजली के बिल के ऊपर लिखा होता है बिजली कम इस्तेमाल करें तो इस तरह की कंफ्यूजन आपको जब आएगी तो ये वही है जो आपकी लिमिट ऑफ मार्केट सेट नहीं करती इसी को अनसर्टन कहते हैं और इसी को कंफ्यूज कहते हैं सो so, नाइट कहते हैं कि न्यू क्लासिकल मॉडल के मुताबिक एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स लाइफ मैकेनिकल एस्पेक्ट्स एंड रिप्रेजेंट्स एन ऑटोमेटेड इमेज ऑफ सोसाइटी ह्यूमन चॉइस एंड प्लान आर रिड्यूस टू इंस्टेंट्स अब यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करता चलू मैरिट स्ट्रक्चर में इंस्टेंट्स और फिर इंस्टेंट के ऊपर आपके प्लान और चॉइसिस देखो आपके अंदर होता है मैं अगर क्रॉस में X फैक्टर। मेरा राइट right ब्रेन मेरा लेफ्ट ब्रेन सारी दुनिया को तकरीबन आप पता है बायोलॉजिकली जिसका लेफ्ट ब्रेन काम करता है वो मैथमेटिकल डिजाइन में तेज है जिसका राइट दिमाग काम करता है वो आर्टिस्टिक है सो so, उसके मुताबिक मेरे इंस्टिक ने भी पता है कि मैं मैकेनिक बन सकता हूँ या नहीं बन सकता मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता मैं पढ़ भी सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता मेरा पढ़ने में कोई शौक है या नहीं है अगर मेरा नहीं है तो मुझे आ, उसके मुताबिक डिज़ाइन करना चाहिए और अगर मुझे लगता है कि मैं किसी चीज़ में एक्सेल कर सकता हूं तो ये याद रखिए आपको पता होता है आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पता रखते हैं और ट्रेड्स का आपको पता रखना चाहिए एक बात मैं आपको आखिर पे जरूर करना चाहूंगा चाहूंगा वो ये कि अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आपको पता होना चाहिए आपकी आंखें अच्छी हैं तो आपको पता होना चाहिए आप, आप कन्वे बहुत अच्छा करते हैं आपको पता होना चाहिए या आप डिजाइन बहुत अच्छा कर सकते हैं आप कन्वे नहीं कर सकते आप मैकेनिकल फॉल्ट निकाल सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते ये आपको पता होना चाहिए सो वट्स यू डू यू मस्ट नो नो यू सेल्फ नॉक यूर सेल्फ नॉक यूर सेल्फ